इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत ही इजी नोट्स के थ्रू इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है सो नाउ विदाउट फर्दर डिले डिलेट स्टार्ट अवर टूडेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ ऑफ़ द फॉलोइंग द लास्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ चाइना यानी कि इन सारे डायनेस्टीज में से कौन सा डायनेस्टी चाइना का लास्ट रूलिंग डायनेस्टी था सो ऑप्शन नंबर ए इज युवान डायनेस्टी ऑप्शन नंबर बी इज मिंग डायनेस्टी ऑप्शन नंबर सी इज किंग डायनेस्टी एंड ऑप्शन नंबर डी इज टैंग डायनेस्टी सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू हु वॉज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन ऑफ अर्ली चाइना यानी कि इनमें से किन को अर्ली चाइना का ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन माना जाता है सो ऑप्शन नंबर ए इज नाइटो कोन ऑप्शन नंबर बी इज सीमा किन ऑप्शन नंबर सी इज लियांग ऑप्शन नंबर डी इज नो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज सीमान ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड दैट फ्लोज इन चाइना इज द यानी कि वर्ल्ड का जो तीसरा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि चाइना में फ्लो करता है वह कौन सा है सो ऑप्शन नंबर ए इज पर्ल रिवर ऑप्शन नंबर बी इज़ सी रिवर ऑप्शन नंबर सी इज यंगस्ते रिवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज येलो रिवर सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ यंगस्तेटते रिवर सो यंगस्ते रिवर इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द डोमिनेट इथेनिक ग्रुप ऑफ चाइना यानी कि इन सारे इथेनिक ग्रुप में से चाइना का जो सबसे डोमिनेट जो सबसे इम्पोर्टेंट इथेनिक ग्रुप है वो कौन सा है या फिर आप कह सकते हैं कि चाइना में रहने वाले जो ज्यादातर लोग हैं वो बेसिकली कौन से इथेनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं सो ऑप्शन नंबर ए इज़ हान ऑप्शन नंबर बी इज मंचू ऑप्शन नंबर सी इज मोंगल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज हुई सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज हान नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर फाइव हु इन थिओरी रूल जापान इन द नेम ऑफ़ द एम्पीरर यानी कि बेसिकली जापान को कौन रूल किया करते थे एम्पीरर के नाम पर सो ऑप्शन नंबर ए इस समुराई ऑप्शन नंबर बी शोगुन ऑप्शन नंबर सी इस डेमियो एंड ऑप्शन नंबर डी इस वारियर क्लास सो इसक से वे कौन से फैमिली थे जिन्होंने जापान में शोगुन के पोजिशन को हेल्ड करके रखा था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड सो दर्स्ट ऑप्शन इज कामाकुरा फैमिली Second option is Ashikaga family. Third option is Tokugawa family. And fourth option is Minamoto family. So this right answer be option number C, which is Tokugawa family. Now the next question is question number seven. The country was divided into over 250 डोमेन्स अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड्स कॉल। सो बेसिकली जापान को 250 डोमेन्स यानी कि स्टेट में डिवाइड कर दिया गया था एंड हर एक जो डोमेन था हर एक जो स्टेट था वो बेसिकली लॉर्ड्स के द्वारा ही रूल किया जाता था सो so उन लॉर्ड्स को क्या कहा जाता था सो so पहला ऑप्शन है समुराई दूसरा ऑप्शन है शोगुन तीसरा ऑप्शन है जामीओ एंड चौथा ऑप्शन है वॉरियर क्लास सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज डैमियो सो बेसिकली लॉर्ड्स को डैमियो कहा जाता था जापान में ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट जापान इंपोर्टेड लग्जरी गुड्स फ्रॉम यानी कि जापान किन देशों से लग्जरी गुड्स को इंपोर्ट किया करते थे सो द फर्स्ट ऑप्शन इज चाइना सेकेंड ऑप्शन इज रशिया थर्ड ऑप्शन इज कोरिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंडिया सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा गलत दे रखा है सो so इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड डी सो बेसिकली जापान चाइना एंड इंडिया इन दोनों कंट्रीज से लग्जरी गुड्स को इम्पोर्ट किया करते थे सो जापान बेसिकली चाइना से सिल्क को इम्पोर्ट किया करते थे एंड इंडिया से टेक्सटाइल को इम्पोर्ट किया करते थे ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन

Third option is Nishijin and fourth option is Bepu. So its right answer be option number C, which is Nishijin. Now the next question is question number 10: An immediate result of Commodore Matthew Perry's visit to Japan in 1853 was. सो बेसिकली एक कॉमोडोर यानी कि एक ऑफिशियल थे जिनका नाम था मैथ्यू पैरी सो इनको यूएसए से जापान में भेजा गया था 1853 के टाइम पीरियड के दौरान सो so, ये जब जापान पहुंचते हैं सो so, इसका इमीडिएट रिजल्ट क्या निकलता है सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एन अलायंस बिटवीन जापान एंड यू यानी कि जापान एंड यू दोस्त बन जाते हैं सेकेंड ऑप्शन इज डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड बिटवीन जापान एंड द वेस्ट यानी कि ट्रेड का डेवलपमेंट होता है ट्रेड रिलेशन बनता है जापान का और दूसरे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ थर्ड ऑप्शन इज अ वार बिटवीन जापान एंड यूएसए जापान एंड यूएसए के साथ एक वार होता है एंड द लास्ट ऑप्शन इज द इंक्रीज आइसोलेशन ऑफ जापान जापान जो है वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है सो so, इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड बिटवीन जापान एंड द वेस्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11

फर्स्ट टाइम रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है टोक्यो एंड पोर्ट्स ऑफ योकोहामा के बीच में सो ये कब किया जाता है यानी कि कब फर्स्ट रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है सो फर्स्ट ऑप्शन बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ़ एंड टू हो जाएगा ऑप्शन नंबर

द फर्स्ट मॉडर्न स्ट्राइक इन एटीन हंड्रेड एंड एटी सिक्स वॉज ऑर्गेनाइज बाय सो जापान में पहली बार जो मॉडर्न स्ट्राइक होता है एटीन हंड्रेड एंड एटी सिक्स के टाइम पीरियड के दौरान सो वो किन लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है सो द फर्स्ट ऑप्शन इज मेल इंडस्ट्रियल वर्कर्स सेकेंड ऑप्शन इज फीमेल इंडस्ट्रियल वर्कर्स थर्ड ऑप्शन इज एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ़ दिस सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज फीमेल इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी कि जो वेमेन वर्कर्स थी उन्होंने ही फर्स्ट टाइम मॉडर्न स्ट्राइक को लॉन्च किया था ऑर्गेनाइज किया था 1886 के टाइम पीरियड के दौरान जापान में

So, इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज बोथ ए एंड बी यानी कि यूएसए ने हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ड्रॉप किया था Now, the next question is question number 18. In which year Olympics held in Tokyo? So konse salke time period kean. Tokyo may Olympics held hua tha? So option number A is 1962. Option number B is 1963. Option number C is 1964. And the last option is 1965. So this right answer hoja jayega option number B, which is 1964. Next question is question number 19. Who is regarded as the founder of the modern China as well as the first?

Next question is question number 20. When did an angry demonstration was held in Beijing?

सेकेंड ऑप्शन इज केमल एट थर्ड ऑप्शन इज का यूवाई एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबोब सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इजोफेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द फर्स्ट ओपियम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ टू बिटवीन यानी कि जो पहला ओपियम था जो कि इस टाइम पीरियड के दौरान हुआ था वो किन किन देशों के बीच में लड़ा गया था सो पहला ऑप्शन है फ्रांस एंड जापान ऑप्शन नंबर बी इज ब्रिटेन एंड चाइना ऑप्शन नंबर सी इज चाइना एंड जापान एंड ऑप्शन नंबर डी इज डच एंड चाइना सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज ब्रिटेन एंड चाइना सो ओपीएम वार को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है सो इट्स आ रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज वीडियो को जरूर देख लीजिएगा सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द वेस्टर्न साइंस सच एज एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स वेर इंट्रोड्यूस इन चाइना So, जो वेस्टर्न साइंस है जैसे कि एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स सो ये सारी जो साइंस है ये सारी जो सब्जेक्ट्स है वो चाइना में किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सो द फर्स्ट ऑप्शन इज बिब्लिकल मिशीनरी सेकेंड ऑप्शन इज जेहोवा मिशीनरी थर्ड ऑप्शन इज

सो so, पहला ऑप्शन है द शोगुन दूसरा ऑप्शन है द मीजी तीसरा ऑप्शन है द दिशीजीन एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज द शोगुन जैसे कि हमने पहले के भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जापान को बेसिकली शोगुन द्वारा ही रूल किया जाता था एम्पेर के नाम पे सो so, इस टाइम पीरियड के दौरान शोगुन का जो रूल था जापान में वो खत्म होता है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

Let's move to our next question, which is question number 26. Japanese borrowed their written script from. यानी कि जापान के लोगों ने अपने रिटर्न स्क्रिप्ट को अपने लिपि को कौन से देश से बोरो किया है सो ऑप्शन नंबर ए इज चाइना ऑप्शन नंबर बी इज रशिया ऑप्शन नंबर सी इज कोरिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज ताइवान सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज चाइना सो विद दिस हमने हाफ ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है बट अभी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी है सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास रिक्वेस्ट दैट की अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा सो नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय स्टे विनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो